अक्षरा ही हैं भोजपुरी जगत में या फिर एक श्वेता तिवारी ही, जिनके साथ लगातार कई बार ऐसी चीजें हो रही हैं जिससे दोनों की दोनों परेशान हैं। नमस्कार, मैं हूं शशि प्रिया और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया। आखिर क्यों श्वेता तिवारी परेशान है, ये जानकर आपको हैरानगी होगी। आखिर क्यों श्वेता तिवारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, वही श्वेता तिवारी जिन्होंने भोजपुरी जगत में एक से एक सुपरहिट फिल्में की। मनोज तिवारी के साथ उनकी जोड़ी बहुत अच्छी बनती थी। इसके अलावा भोजपुरिया जगत के और भी कई ऐसे सुपरस्टार हैं जिनके साथ श्वेता तिवारी ने बेहतरीन फिल्में की और उन्होंने एक ऐसी छाप छोड़ी जिसे आज भी लोग अपनाते हैं, जो लोग भोजपुरिया जगत में हीरोइन बनकर आते हैं और उनको देखना सुनना समझना चाहते हैं। आज वो टीवी जगत में एक बेहतर भूमिका निभाती हुई नजर आ रही हैं, हमेशा टीवी सीरियल में भी नजर आती हैं। इसके पहले उन्होंने एक टीवी सीरियल में हिस्सा लिया था, कसौटी जिंदगी की, उससे भी उन्होंने अपनी बेहतर पहचान बनाई थी, लेकिन भोजपुरिया जगत में उनका नाम और भी ज्यादा है। आखिर ऐसा क्या हो गया है श्वेता तिवारी के जिंदगी में जिससे उथल पुथल मच गई है, देखिए ये रिपोर्ट। श्वेता तिवारी के साथ एक बार फिर कुछ ऐसा हो गया है जिससे उनकी जिंदगी में भूचाल आ गया है। आखिर ऐसा क्या हो गया है जिससे उनका दिल का दर्द सामने आ गया। मशहूर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी को कौन नहीं जानता, उनके पति एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गए हैं और बेटी को अश्लील तस्वीर दिखाने के मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अभिनव कोहली एक्ट्रेस श्वेता तिवारी के दूसरे पति हैं। इससे पहले श्वेता तिवारी ने राजा चौधरी से शादी रचाई थी, लेकिन घरेलू हिंसा की वजह से ये शादी भी टूट गई। मशहूर टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने जिंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव देखे और इतना संघर्ष किया कि वो इस मुकाम पर पहुंच गई कि नाम तो है लेकिन वो प्यार आज तक नहीं मिल पाया जो पति का प्यार मिलना चाहिए था। एक पति ने धोखा दिया, दूसरे पति ने भी कुछ ऐसा ही किया जिसकी वजह से आज दूसरा पति जेल की हवा खाने के कगार पर है। पहले तो पुलिस उन्हें ले गई गिरफ्तार कर, फिर पूछताछ किया, अब आगे की कार्रवाई होनी अभी बाकी है। श्वेता तिवारी ने अपने पति पर उनकी बेटी के साथ मारपीट करने और उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस के समता नगर पुलिस स्टेशन कांदिवली में अभिनव के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है। और अगर सूत्रों की हवाले से मिली खबर के अनुसार बात करें तो श्वेता तिवारी और उनकी बेटी ने रोते रोते अपनी आपबीती सुनाई और अपने पति के खिलाफ ये रिपोर्ट दर्ज करवाया। उसके बाद पुलिस हरकत में आ गई और आनंद फानन में अभिनव को उठाकर थाने ले आई। जानकारी के मुताबिक श्वेता तिवारी ने थाने में कहा कि उनके पति शराब के नशे में अक्सर उनकी बेटी के साथ मारपीट किया करते थे। इतना ही नहीं, उनका ये भी आरोप है कि अभिनव कोहली मोबाइल में मॉडलों की अश्लील तस्वीर अपनी बेटी को दिखाते थे। 38 साल के अभिनव कोहली पर आरोप है कि वो अपनी बेटी को गंदी गंदी गालियां भी दिया करते थे। थाने में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस अभिनव को पूछताछ करने के लिए थाने में लेकर आई। उनकी पत्नी और बेटी की उपस्थिति में उनसे करीब 4 घंटे तक पूछताछ की गई। उसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अभिनव कोहली पर धारा 354A, 323, 504 और 509 समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया है। कोहली को गिरफ्तार करने के बाद अब पुलिस इस मामले की जांच में लगी है। आपको बता दें कि अभिनव और श्वेता पिछले करीब 1 साल से अपनी निजी जिंदगी के बारे में मीडिया और अपने प्रशंसकों से कभी बातचीत नहीं करते थे। कई रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा था कि शादी के कुछ ही सालों बाद इन दोनों के बीच अलग अलग बातों को लेकर विवाद शुरू हो गया था। हालांकि अभिनव कोहली इन सभी बातों से इनकार करते हैं। अभिनव कोहली एक्ट्रेस श्वेता तिवारी के दूसरे पति हैं। इससे पहले श्वेता तिवारी ने राजा चौधरी से शादी रचाई थी, लेकिन घरेलू हिंसा की वजह से ये शादी टूट गई। श्वेता तिवारी ने मशहूर टीवी धारावाहिक कसौटी जिंदगी की से अपने करियर की शुरुआत की और उसके बाद बुलंदियों को छुआ। इस टीवी सीरियल में श्वेता ने प्रेरणा नाम की महिला का किरदार निभाया था जो काफी चर्चित रहा। श्वेता तिवारी रियलिटी शो बिग बॉस में भी नजर आ चुकी हैं। इसके अलावा श्वेता ने कई फिल्मों में भी काम किया है। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट। तो श्वेता तिवारी हो, अक्षरा सिंह हो या फिर कोई और, अश्लीलता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्वेता तिवारी ने जिस तरीके से रो रो कर अपनी बातें कही, अपने पति को लेकर जो तमाम राज खोले हैं और जो मुकदमा दर्ज करवाया है, वो तो
उस वक्त सामने आया जब बेटी ने ये तमाम बातें बताई, लेकिन इसका बुरा प्रभाव कितना पड़ा होगा उस नन्ही सी बच्ची पर। आखिर अश्लीलता कब खत्म होगी, एक पिता को क्या ऐसा करना चाहिए? इन्हीं सवालों के आप जवाब दीजिए कमेंट्स बॉक्स में नीचे, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। नेक्स्ट नई भोजपुरिया में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।